वीरांगना की वीरता का है ना कोई सानी, वीरांगना की वीरता का है ना कोई सानी, आजादी भारत वर्ष की है जिसकी अमिट निशानी, आजादी भारत वर्ष की है जिनकी अमिट निशानी, छोड़ तोड़ गुलामी की जंजीरें सीना तान लड़ी थी, तोड़ गुलामी की जंजीरें सीना तान लड़ी थी, झांसी प्यारी ना दूंगी मैं यह हुंकार भरी थी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी साहित्यकार से जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई वर्षों से काम किया है, शिक्षिका भी रही हैं। आइए मिलते हैं रमा शुक्ला जी से। नमस्कार रमा जी। नमस्ते भैया जी। रमा जी, आपकी जो काव्य यात्रा है कब से शुरू हुई, कब से आपको लगा कि आपको लिखने का आनंद उठाना चाहिए? जी भैया, लिखने का मुझे, मैं मात्र 16 वर्ष की थी तभी से मैंने लिखना शुरू किया था। उस समय 1976 की बात है, तब मैं रामायण पर थोड़ा बहुत लिखती थी, कुछ जो मेरी समझ में आता था। हमारे बाबा जी जो थे तो वो चूंकि जोकर का भी पाठ रामलीला में किया करते थे, तो उनके लिए हम लोग छोटी छोटी कविताएं लिख करके दिया करते थे। जैसे कि मैं आपको एक सुनाना चाहूंगी कि जैसे एक बार हमने लिखा था कि हा हा रे छपक छुआ, तेरे देश नहीं नउआ, जरा बाल तो बनवा लेता, हा हा रे मेहतरानी, तेरे देश नहीं पानी, जरा नहा तो लेती। तो ऐसा हम लोग लिख लिख के बाबा जी को दिया करते थे। कविताओं पे वो अभिनय करते थे। जी जी जी। तो वो तब से हमारा 1976 से हमारा ये लेखन का कार्य शुरू किया मैंने, और फिर मैं लगातार थोड़ा थोड़ा लिखती ही रही। इसके बाद हमारा जो सबसे पहला जो है ये कविता थी हमारी 1983 में, ये हमारी दिल्ली से प्रकाशित होती थी सरल योग पत्रिका। इसके जो है संपादक थे श्यामलाल जी खन्ना जी। उस वक्त उन्होंने, वो कानपुर से रिलेटेड थे और मैं भी कानपुर की हूँ, तो वो हमारे पास आए थे। उन्होंने अपनी पत्रिका में एक पार्ट महिलाओं के लिए रखा हुआ था, तो मेरे से काफ़ी उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की कि बेटा तुम जब लिखती हो तो फिर तुम कुछ सामाजिक बुराइयों पर लिखो, तो मैं तुम्हारा अपनी पत्रिका में छापूंगा। मैं उस समय छोटी तो थी, सारे घर में हमारे बड़े भाई साहब थे, उनका चक्रपाणि दीक्षित नाम था और है, और उन्होंने हमको काफ़ी एनकरेज किया कि बेटा जब अंकल कह रहे हैं तो तुम कोशिश करो, तुम्हारी कलम उनको दमदार लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखती हूँ। और फिर मैंने जो दहेज पर लिखी थी कविता सबसे पहली, वो हमारी दिल्ली से सरल योग में उनके प्रकाशित हुई। उसकी कुछ पंक्तियाँ याद हैं आपको आज? जी याद है जी, मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। मुख पट पर घूंघट डाले वधु आए गई ससुरारी, मुख पट पर घूंघट डाले वधु आए गई ससुरारी, और धमधम बाजे ढोल मंजीरा, धमधम बाजे ढोल मंजीरा, देत सवय करतारी। दो चार दिवस दस यूं बीते, भाई कहीं नहीं कुछ नाराजी, फिर तो सुनने पड़े वधू को रोज नई ताने बाजी, रोज नई ताने बाजी। प्रतिदिन या वरदेव कहें, प्रतिदिन या पतिदेव कहें, ना मिला हमें टीवी मोटर, एक दिन बोले सुन लो मेरी अम्मा मांगे रेफ्रिजरेटर, अम्मा मांगे रेफ्रिजरेटर। इस तरीके से हमने काफी लंबी कविता है जी। तो अच्छा रमा जी, आपकी टोटल एजुकेशन कहाँ तक हुई? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमारा विषय अंग्रेजी रहा है, लेकिन हमारे को अपने राष्ट्र से और राष्ट्रभाषा से और अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा लगाव है, और उसकी वजह से मैंने राष्ट्र पर बहुत लिखा है। और कोई रचना आपको संदर्भ में याद आती है? जी, अपने ये घासीराम ब्यास जी को हमने थोड़ा सा लिखा है, जैसे कि चंद्रशेखर, हाँ याद है। देखिए विदेशियों के ऊपर हमने चार लाइनें पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ कि शासन था प्रतिकूल स्वदेशी घबराए थे, शासन था प्रतिकूल स्वदेशी घबराए थे, पंडित घासीराम ब्यास संबल बन छाए थे, पंडित घासीराम ब्यास संबल बन छाए थे। और थे इस तरीके से उन पर लिखा है हमने, गरीबी थी उनके परिवार में और परेशान थे, उनका एक हमने पत्रिका पढ़ी, उनका जीवन पढ़ा था, तो उसमें था कि पैसे उनके घर पे नहीं होते थे, फिर भी वो कैसे फिरंगियों को से कैसे मोर्चा लें, इस तरीके का वो
मतलब बोला करते सोचा करते थे, तो उसी पर हमने ये चार पंक्तियाँ लिखी थी कि शासन था प्रतिकूल स्वदेशी घबराए थे और पंडित दासी राम व्यास संबल वन छाए थे और की ऐसी ओंकार फिरंगी थर आए थे और मानो भू पर बेटा मतलब इस तरीके से कुछ पंक्तियाँ हैं, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। अच्छा रमन जी, आप हमारी यहाँ से कब आई? जी मेरी शादी 21 फरवरी और 1985 में हुई और बस 22 फिर मैं आ गई थी झांसी, 22 फरवरी झांसी में। आपने बताया था कि आप बहुत सारे स्कूलों में आपने जी शिक्षा कार्य किया, तो बताइए कहाँ कहाँ आपने काम किया? जी मैंने यहाँ पर आने के बाद में शुरू में हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं था, तो हमने घर से अपने छोटे मोटे काम शुरू किए जैसे सिलाई करना। इसके बाद में फिर हमको यहाँ हमारे स्थानीय पांडे जी का थे तो उनका विद्यालय हमारे कॉलोनी में चलता था एम एल पांडे, मगर उसकी एक जो जूनियर शाखा थी वो थी भारतीय कला एवं संस्कृति प्रचारिणी सभा जूनियर हाई स्कूल, तो उसमें हमको उन्होंने नियुक्ति दी थी। वहाँ पर मैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत की और बुक क्राफ्ट भी मैं पढ़ाती थी, तो 13 वर्षों तक हमने उनके विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। उसके बाद में 2003 में मैंने वो छोड़ करके 90 में मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद 2003 में मैंने स्कूल कुछ वजह रही कि मैनेजमेंट से हमारी थोड़ी तकरार हो गई, फिर हमने उसको छोड़ा। फिर मैंने खाती बाबा में एक विद्यालय नया खुला हुआ था उसको चला रहे थे अमरनाथ द्विवेदी जी, उसका नाम था ज्ञान सरोवर विद्यालय, तो उसमें मैंने टीचिंग की। वो अंग्रेजी माध्यम से था और उसमें पहली से लेकर के आठवीं तक की कक्षाएं लगती थी, तो छठवीं से आठवीं तक हमने वहाँ पर टीचिंग की। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर वो भी छोड़ दिया, वो भी विद्यालय मैंने छोड़ा जी। फिर इसके बाद में क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर 5 कक्षाओं का पूरा दायित्व अकेले मेरे ऊपर लिया हुआ था अंग्रेजी माध्यम से सारे विषयों को पढ़ाने का, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करते थे मगर उतना वो पगार भी नहीं देते थे, तो फिर हमने उसको छोड़ा। फिर इसके बाद में मुझे मौका मिला इंटर कॉलेज में जीआईसी रक्षा में मैंने टीचिंग का काम किया संविदा में, उसके लिए हमने जो है वहां पर मैं अंग्रेजी का अध्यापन किया और बहुत सब कुछ बढ़िया था। अच्छा, इतने आपने जॉब करती रही, परिवार भी चलता रहा जी, कविता को कैसे जिंदा रखा? कविता तो हमारी लगातार ऐसे चलती रही कि जिस विद्यालय में मैं रही हमेशा सांस्कृतिक में नेशनल में मैं खुद ही कविता लिख लिख के खूब संचालन कार्य करती थी, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और हर विद्यालय में मुझे ऐसे ऐसे साहित्यकारों से परिचय हुआ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो साहित्यकार तो आते ही हैं और जब वो हमारी कविताएं सुनते थे तो वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कहते थे। और इसके बाद में झांसी में मैंने गोष्ठियों को ये काव्य गोष्ठियों के जो है मैं जाना शुरू किया, तो हमने अखिल भारतीय ये साहित्य परिषद की गोष्ठी में मैंने शुरू किया था जाना, वहाँ पर मैं रेगुलर जाती रही। और फिर ये नवांकुर की हमारी एक संस्था, ये हमारे स्थानीय TNT साहब चला रहे थे, उनका त्रिभुवननाथ फिरंगी हास्य के कवि थे, तो उनकी संस्था में भी उन्होंने हमको बोला आने के लिए, तो मैं वहाँ पर जाती रही। और फिर इसके बाद में नव चेतना साहित्य का संगठन है बहुत अच्छा, उसको इस समय जीवन लाल पांडे जी चला रहे हैं, तो उसमें हमारे को उसके संस्थापक थे क्या कहते हैं हरि, उनका नाम था बरसैया जी, ओम प्रकाश बरसैया। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, बहुत गरीबी भी उनके साथ में परिवार में थी, मगर वो हमारे पास आने लगे, उनको पता चला कि मैं लिखती हूँ तो वो हमारे पास आते थे। उस समय हमारी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, उसमें वो आ करके बैठते थे और सारी चर्चाएं हुआ करती थी साहित्य में, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो इतना अच्छा लिखती हो। फिर उन्होंने हमारा सारा संग्रह देखा, क्या लिखा है, मैंने कविताएँ पढ़ी, फिर उनको उन्होंने एक जो पुस्तक साहित्यकार का संग्रह निकलवाई थी, उसमें उनका जो सेकंड पार्ट है पुस्तक में, कई पुस्तकें उन्होंने सेकंड पार्ट में हमारी दो उन्होंने रचनाएं छापी थी, हमारा परिचय, हमारी फोटो, हमारा ये, तो हमारा इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और मैं रात में, मैंने कभी दिन में तो टाइम नहीं मिलता था, घर के सारे कामों को मैं खुद करती, हमारे पास कभी कोई
सर्वेंट मुझे पसंद भी नहीं और हालात भी नहीं, तो मैं खुद ही सारा काम करती रही और बड़े प्यार से बड़े अच्छे से मुझे कुकिंग का भी और भी सारे कामों का बहुत जी जी। अच्छा लगता है। कमल जी आपने इतना सारा कभी संचालन मतलब मंचों पर जाकर संचालन भी किया है, काव्य पाठ भी, स्कूलों में काव्य पाठ भी किया है, काव्य पाठ तो मैंने बहुत। तो ऐसी कौन सी रचना थी जो आपको आज आपके नाम से जानी जाती हो, आपको ज्यादा पढ़ने को कहा गया हो जी, वो सुनाइए। जी मेरी एक रचना है जो बिल्कुल मतलब यहाँ झांसे में ही हमने उसको लिखा और मंच में सुनाया, सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है और छपी भी है, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ। तो देखिए भाई, भैया सुनिए। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। कोई विपदा तुम्हें सताए, करो निवेदन ईश्वर से। कोई विपदा तुम्हें सताए, करो निवेदन ईश्वर से। सहलो उसको मन में अपने, मत गाओ तुम जन जन से। मत गाओ तुम जन जन से। बैठ किसी निर्जन स्थल पर, बैठ किसी निर्जन स्थल पर, करो विचार गहन चिंतन से। ऐसा करके तुम देखो, तो क्लेश कटे अपने मन से। तो क्लेश कटे अपने मन से। भारी बोझे हल्के पड़ते, भारी बोझे हल्के पड़ते। तुम संधि करो तो चिरंतन से, संधि करो तो चिरंतन से। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। कर्म करो तन मन से। जी आपने इतना सब मंचों पे काम, मंचों पे आपने काव्य पाठ किया, गोष्ठियों में काम किया, देखा गया है कि कवियत्रियों की संख्या कवियों के अनुपात में बहुत कम होती है, क्या वजह आपको लगता है? मौका नहीं मिलता या वो डर के मारे मंच स्टेज पर जाती नहीं है? क्योंकि कवियत्रियों की संख्या डायरी तक तो खूब होती है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। जी हाँ, आप जो बात कह रहे हैं भैया, ये बहुत हद तक सही है और इसके पीछे थोड़ा सा पारिवारिक बंधन भी मैं मानूंगी, क्योंकि जब मैंने गोष्ठियों में जाना शुरू किया था तो हमारे को भी थोड़ा सा परेशानियां इस तरीके की आई थी। बड़े बुजुर्गों का थोड़ा प्रतिबंध लगा था, लेकिन जी लेकिन हम मैं इस के लिए अपने पति देव को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट कर सकती हूँ कि उन्होंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और मुझे सभी जगह गोष्ठियों में लेकर जाने लगी। लेकिन उसके बावजूद मतलब गोष्ठियों में भी मुझे महिलाओं की मैं अकेली पड़ जाती थी। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में भारतीय ये साहित्य परिषद की गोष्ठी में मैं बिल्कुल अकेले, और नवांकुर में भी मैं बिल्कुल अकेले, तो इसकी वजह से भी कई बार अपने को खुद भी लगने लगता है कि सारे लोगों के साथ अकेला महसूस हो रहा है। तो यही वजह हो जाती है कि महिलाएं थोड़ा सा कम परिवार की वजह से और सपोर्ट हर जगह महिलाओं को कम मिल पाता है। एक चीज, एक बात और मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा है, हमने हालांकि इस पर पूरा इंटरव्यू पर चर्चा की थी जी, कवियत्री इसलिए मंचों पे जाने में गुरेज करती हैं क्योंकि वहाँ पे संचालकों के द्वारा ट्रेलबाजी बहुत की जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्या आपको लगता है ऐसा होता है? भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ भी नहीं। अब कविता का परिदृश्य बदल रहा है, प्रेजेंटेशन और प्रस्तुति का तरीका बदल गया है, आप देखते हैं कि मंच से जो कवि होते हैं, संचालक होते हैं, वो महिला कवियत्री को आमतौर पर फोकस करते हैं और कुछ ना कुछ उनसे व्यंग, तीखे बाण वगैरह। देखिए इसमें क्या होता है, हर किसी का अपना कुछ व्यक्तिगत एक्टिविटीज और उनका अपना भाषाई जो प्रदर्शन है उस पर आधारित ये बात है आपकी, क्योंकि अगर हम, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं, हम हमेशा संयमित रहते हैं और हमारे जो संचालक रहे जब भी बहुत ही बड़े सम्मान के साथ मुझे हमेशा उन्होंने अप्रिसिएट किया और बहुत अच्छे से हमको मंच पर आमंत्रित किया। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये कहना चाहती हैं कि ये कवियत्री और संचालक की सांठगांठ पर भी निर्भर करता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं,
मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ, क्योंकि अगर आपकी मतलब ये तो गॉड गिफ्ट है, अगर आपकी कविता समाज के लिए कुछ दे रही है और वो सारे कवियों को भी प्रभावित कर रही है, तो संचालक कोई अलग से तो आते नहीं है, उन्हीं में से कोई संचालक बनते, तो अगर वो आपकी कविता से प्रभावित होते हैं तो वो आपको कुछ अच्छा ही बोलकर बुलाते हैं। और हमारे साथ तो नहीं हुआ है, अब भाई होता हो तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ इसका। अच्छा, रमा जी को जहाँ उन्होंने इतनी सारी मंच को शेयर किया है, कभी गोष्ठियों में भी उनका आना जाना रहा है, तो कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? सम्मानों में तो मुझे सबसे पहले अपने झांसी में जो है गौरी शंकर जी उपाध्याय के सरस नाम से है वो, उनकी गोष्ठी में मुझे उन्होंने बाकायदा जो है सम्मानित किया था, पुस्तकों का एक पूरा बंडल दिया था और बाकी पोस्ट पहाड़ नारियल वगैरह जो भी है वो दिया, और बड़ा अच्छा लगा था मुझे सर्वप्रथम। इसके बाद में जब भी मंचों में हम लोग जाते हैं तो छोटा मोटा सम्मान तो मिलता ही है, मगर अभी हाल में मैं आपको बताऊं, मैं टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ था, सत्य सुधा साहित्य सम्मान से नवाजी गई, वो भी एक खरे जी है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था, हम लोग गए तो बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने हमको सम्मान पत्र भी दिया है जी। तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, और वो अभी इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको याद आता है? और अभी हाल में अभी हमारा ये बांदा में हमारा सम्मान हुआ और सम्मान पत्र भी हमको प्राप्त हुआ और कविता पाठ भी हमने मैंने किया और बाकी छोटे मोटे तो होते रहे। समझिए, कवियों में भी गुटबंदी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के गुट को ऑर्गेनाइज करती है, क्या इससे कवियत्री को या आपको कभी सामना करना पड़ा या नुकसान हुआ आपको? जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही, बहुत ही सही है, क्योंकि जो अच्छा पुरुषों में नहीं है इतना, मगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं खुद ही कई बार ऐसा लगता है कि दायरा बड़ा सीमित है, और जिस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो बातचीत में कुछ और बात आती है, और करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अभी हाल ही में थोड़ी सी बात मेरे को याद आ रही है आपके इस बात पर, कि जैसे कि ये टेक्निकल पर हम लोगों को मोबाइल चलाती हूँ उसमें नहीं, अभी हमको ज़्यादा परफेक्ट मैं नहीं हूँ, तो उसमें पूर्ण विराम का कहीं कोई कॉलम मेरे इसमें हिंदी के कीबोर्ड पर नहीं है, लेकिन वो क्या है कि मैं बोर्ड प्रोग्राम नहीं लगा पाई हूँ कहीं, तो भाई हमारी अपनी खुद की जो साथी हैं बहनें हैं और बहुत मतलब सम्मान से मुझे बातचीत भी करती हैं, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत बड़ा मतलब बड़ा चढ़ा करके उसको दिल का ताड़ बना डाला, और फिर मतलब ये कि हमको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं कोई नई भी नहीं हूँ, इतने समय से अरसा हो गया, मेरी पूरी जिंदगी हो गई एक प्रकार से, 15-16 साल से मैं लिख रही हूँ, तो मुझे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा। अतः एक पूर्ण विराम ने आपकी जिंदगी पे सवालिया निशान कर दिया। सवालिया निशान। तो ये हमारी जो आपने बात कही कि गुटबंदी, तो गुटबंदी के साथ साथ गुट भी क्या वो आत्म कहना चाहिए, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए महिलाएं इतना कि अपने साथियों को डाउन करने की कोशिश में लगी रहती हैं, जबकि उनको ये अच्छी तरीके से पता है, वो हमारी 30 साल पुरानी परिचित हैं जिन्होंने उस पर बात उठाई, और इतना मेरे को थोड़ा सा आहत भी में हुई, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे हैं कि किसी भी परिस्थिति से हारना नहीं। और एक बात मैं दो पंक्तियां आपको इस बारे में कहना चाहूँगी कि कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम कवियों को और समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं सभी के लिए एक संदेश है हमारा कि सुनिए, परनिंदा दोषों से बढ़कर, परनिंदा दोषों से बढ़कर आत्मदोष को करो उजागर, परनिंदा दोषों से बढ़कर आत्मदोष को करो उजागर, और भाल तुम्हारा तब वो निर्मल, भाल तुम्हारा तब वो निर्मल ऐसे जैसे उच्च प्रभाव, परनिंदा दोषों से बढ़कर आत्मदोष को करो उजागर, ये हमारा संदेश है। तमा जी, एक और आप अपनी ऐसी कोई रचना सुनाइए जो जिस जो आप रचना आपकी पहचान बन गई हो जी, जिसमें आपको सदैव आपको कहा गया हो कि ये रमा जी आई हैं, ये तो जरूर सुनाइए, सुनी जाएगी जी। मैं आपको हमारी जो अपनी झांसी की एक पहचान महारानी लक्ष्मीबाई पर मैंने जो कविता लिखी है वो मुझे खुद भी बहुत पसंद है और बार बार बोलने का मन करता है,
और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो कवि भाई हैं और जिसने भी सुना है, जब भी सबने उसकी प्रशंसा की है, तो मैं अब वो आपको सुनाती हूँ। देखिए कि महारानी लक्ष्मीबाई पर, वीरांगना की वीरता का है ना कोई सानी, वीरांगना की वीरता का है ना कोई सानी, आजादी भारत वर्ष की है जिसकी अमिट निशानी, आजादी भारत वर्ष की है जिनकी अमिट निशानी, छोड़ तोड़ गुलामी की जंजीरें सीना तान लड़ी थी, तोड़ गुलामी की जंजीरें सीना तान लड़ी थी, झांसी प्यारी ना दूंगी मैं यह हुंकार भरी थी, बच्चा कसे पीठ में नारी, बच्चा कसे पीठ में नारी, युगल बच्चा कसे पीठ में नारी, अश्वारोही दिखे निराली, युगल करों में दो तलवारें, मुंह में लगाम घोड़े की बारी, ऐसे समर भयंकर मैं थी संगदासी जलकारी, ऐसे समर भयंकर मैं थी संगदासी जलकारी, हाहाकार मचा हरिदल में ये कैसी चिनगारी, हाहाकार मचा हरिदल में ये कैसी चिनगारी, हाहाकार मचा हरिदल में ये कैसी चिनगारी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज विश्व को प्यारी, आज विश्व को प्यारी, और गद्दारों, देखिए मैं थोड़ा भूल रही हूँ, चलिए हम दूसरी बात करते हैं जी। एक सामयिक मुद्दा चल रहा है, अभी हाल ही में झांसी का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर रखा गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये होना चाहिए था? देखिए ये तो मुझे बड़ा गौरव लगा और बहुत अच्छा लगा सुन करके, मैं बहुत भूले ना समाई कि झांसी मतलब स्टेशन में रानी लक्ष्मीबाई जी का वीरांगना करके नाम आया है, मगर थोड़ा सा ये है कि जो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनकी उनके नाम का विरोध तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। नहीं, उन लोगों का तर्क ये है कि झांसी की पहचान रानी झांसी से ही है, तो बदलना औचित्यपूर्ण लगता नहीं है। ये बात तो खैर काफी हद तक है कि और झांसी और महारानी लक्ष्मीबाई मतलब देश क्या विदेश तक हर जगह इसी नाम से झांसी की रानी के नाम से जानी जाती हैं, तो अब चूंकि बदला जा रहा है प्रशासन का, बदल क्या दिया गया है, हाँ जी बदल दिया गया है, और उसका स्वागत भी हम लोगों ने किया है, क्योंकि चूंकि उनके प्रति अब बहुत ज्यादा श्रद्धा है हमको, हम लोगों को तो, लेकिन अब भाई झांसी उसके साथ में झांसी का नाम भी होना चाहिए, झांसी भी लगा रहना चाहिए था, ऐसा हमारा अपना विचार है, क्योंकि रमन जी बंजारा बीट एक शिक्षा प्रद एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ भैया, मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इसमें हम अपनी जो बात है आज के युवाओं के लिए खासकर कुछ कहना चाहती हूँ कि बचपन तो बचपन पे चला जाता है, और उसके आगे जो आता है वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान समय होता है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और बुजुर्गों के लिए खासकर। तो आज मैं देख रही हूँ जो हमारे युवाओं में हमारे अपने बुजुर्गों और पुरखों के लिए जो एक सम्मान होना चाहिए वो कमी देखी जाए, केवल मौखिक ही रह गया है, बाकी कृतित्व में ऐसा कम देखने में आता है कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं हर घर की कथा जो है वो ये है कि वृद्ध जन बेचारे परेशान हैं और उनको कोई भोजन पका के नहीं देना चाहता है, और उनकी सेवा में कोई उनको दवा दारू भी नहीं देना चाह रहा है। अब जब शरीर से शिथिल हो जाता है इंसान और उसके लिए बहुत समस्याएं होती है, चाहे वो कितना भी गुणवान हो, संपन्नता से परिपूर्ण हो, लेकिन उसको एक सहारे की एक प्राकृतिक आवश्यकता आ पड़ती है। तो ऐसे वक्त में जब बच्चे या युवा वर्ग जो है ध्यान ना दे तो फिर देश का भविष्य अंधकार में लगता है। तो मैं युवाओं के लिए एक संदेश अवश्य देना चाहूँगी भैया आपके माध्यम से और आपके ये बंजारा बीट्स के माध्यम से, कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझना चाहिए कि आगे उनके साथ भी तो यही होना है, बुजुर्गों को जो है विशेष महत्व देते हुए और उनको सम्मान के साथ थोड़ा सा उनकी सहायता में सहयोग देना चाहिए, और देश के लिए उनको अपनी दिनचर्या में, क्योंकि अगर आप अपनी दिनचर्या को नियमित और सुचारू नहीं करेंगे तो राष्ट्र के लिए आपका क्या योगदान होगा।
आज मैं देख रही हूँ कि युवा वर्ग जो है वो सारी रात जागता है। अब ये मोबाइल का चलन है, इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं, ठीक है उनको आप अच्छे वे में इस्तेमाल करें और उनको सारी रात रात तो सोने के लिए होती, लेकिन वो क्या है उनकी वजह से बड़े बुजुर्गों को भी बड़ा हानि होती है। रात में उनको ये चिंता नहीं होती कि बड़ों को डिस्टर्ब हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है और वो पूरी रात मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनको किसी प्रकार की जमाना बदल गया। लेकिन उस बदले हुए जमाने में थोड़ा सा आपको अपनी भारतीयता का ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को नियमित करें। और सुबह उठने का तो बिल्कुल चलन ही खत्म हो गया है, तो ये मेरे को बहुत अंदर से मतलब बुरा भी लगता है। अब बच्चे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन होना चाहिए कि प्रातः काल का जो एक मुहूर्त होता है लाभदायक, जो स्वास्थ्य के लिए और आपके सारे कार्यों के लिए एक प्रबंधन में बहुत सहायक होता है, तो सुबह उठना चाहिए और उनको बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और जो कुछ भी आप अपने स्तर से अपनी काबिलियत के हिसाब से कर सके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अवश्य करना चाहिए, स्वार्थ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो मैं आपको दो पंक्तियां इसमें देना चाहूंगी कि जो है देखिए, इंसान वो इंसान का दुख दर्द बांट लो, इंसान वो इंसान का दुख दर्द बांट लो और प्रभु के भजन में लीन हो सरदर्द बांट दो, प्रभु के भजन में लीन हो सरदर्द बांट दो, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। जी तो ये थी रमा शुक्ला जी, जो कवियत्री होने के नाते अपनी बात अपनी पंक्तियों के आधार पर हमारे साथ शेयर कर रही थी। हमसे बात करने के लिए बंजारा बीट्स से बात जी, बंजारा बीट्स की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया, और आपकी तो और भी ज्यादा, क्योंकि जब आपने ही तो बंजारा बीट्स कैसा भाई, आपने जैसे बंजारा बीट्स को किया है, स्टार्ट किया है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम जैसों के लिए आपने दिया है, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और आपके लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में हमारा बंजारा बीट्स बहुत आगे तक जाए और उज्जवल भविष्य के लिए आपकी कामना बारंबार मैं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, एक दो पंक्तियां मैं और बोलूंगी, क्योंकि जो अपने होते हैं कभी कभी वो अपने ही अपने लिए सरदर्द हो जाया करते हैं, तो इस पर मैं दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ, तो वो भी आप सुने। अजी सुनिए, बिना आधार के मंजिल खड़ी करते, अजी सुनिए, बिना आधार के मंजिल खड़ी करते, वे सपने ही हुआ करते बिना पर के उड़ा करते, वे सपने ही हुआ करते बिना पर के उड़ा करते, अजी सुनिए, बिना आधार के मंजिल खड़ी करते और वे सपने ही हुआ करते बिना पर के उड़ा करते, वे साकार कुछ ना करते जो सपनों से डरा करते, जो सपनों से डरा करते, वे अपने ही हुआ करते, वे अपने ही हुआ करते जो दर दर पर दशा करते, जो दर दर पर दशा करते, तो अपनेपन की निस्वार्थ भाव से अपनापन होना चाहिए, वहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति का कतई समावेश नहीं होना चाहिए। जो अपने ब्लड रिलेशंस हैं उनके प्रति विशेष जो है व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए, तभी ये देश ये राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ऐसी हमारी धारणा है। और सबके लिए हमारा ये संदेश है कि हर किसी अपने के लिए, और हम मैं तो अपने बंजारा बीट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा और भविष्य उज्जवल की कामना करती हूँ, और ये आगे बढ़ेगा ये हमारी सोच है। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहिए बंजारा बीट्स।